हेलो टेरेस, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और देखेंगे कहाँ पे एंटी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल तो यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाई बना के जा रहा था ये लास्ट पॉइंट और यहाँ तक हायर हाई और राइट मार्केट ऊपर जा रहा था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से फ्यूचर मार्केट थोड़ा नीचे आना शुरू कर दिया। तो अभी भी आप देख सकते हैं जो ये 1 आवर 100 मूविंग एवरेज एग्जैक्टली ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से बाउंस हुआ। तो पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस हुआ था ये एरिया से, तो यहाँ से भी बाउंस होने का चांसेस है। तो फिर भी हमें ये, क्योंकि अभी 1 आवर में नीचे आ रहा है तो ये इससे ब्रेक भी कर सकता है राइट, तो इसलिए हमें एंट्री कहाँ करना है वो देखेंगे राइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 15 मिनट में, अगर हम दे 15 मिनट में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ये 200 को ब्रेकआउट करने का बाद देख सकते हैं यहाँ से क्रूड ऑयल ब्रेकआउट किया और नीचे मार्केट आया, फ्यूचर लोअर लो बनाया। बट यहाँ पे लोअर लो अभी ये जो पॉइंट है यहाँ से लोअर लो बनाना बंद कर दिया, यहाँ से फ्यूचर हायर हाई बना के जा रहा है। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो मार्केट एक रेंज ले रहा है ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे एक डायगोनल लाइन ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं सपोर्टिंग के लिए, तो एक सपोर्टिंग लाइन ठीक है, ये हो गया आपका सपोर्टिंग पॉइंट। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन कैसे एक फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लाइन राइट। तो मार्केट अभी एक रेंज में चल रहा है राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेंज में चल रहा है लाइक दैट। तो मुझे लगता है ये एरिया से थोड़ा बहुत फिर से मार्केट रिट्रेस करना है, तो यहाँ से फिर से तो ये फॉर्म में आ सकता है। तो इसलिए अगर ये लॉन्ग टर्म 4 आवर में जैसे आप देख सकते हैं बाय मतलब अप ट्रेंड में है तो रिट्रेस कर रहा है, फिर भी ये मुझे लगता है मार्केट अभी यहाँ से थोड़ा और ये एरिया में घूम सकता है। तो अगर आपको बाय लेना है तो बाय लेना है तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर से ही बाय लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पे सेल लिया तो थोड़ा ऊपर आप ऐसा लगा सकता है, मुझे लगता है आपको अगर जितना कितना स्टॉप लॉस लगाना है ये वो चीज आपने शायद आपको पता होगा, ATR यूज करना चाहिए, तो 1 ATR 2 ATR लगा सकता है आप यहाँ से। तो अगर यहाँ पे ऐसा लगा है इसका ऊपर जो ये जो हायर पॉइंट था इसका ऊपर लगा सकता है राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो और एक स्टॉप लॉस के लिए आप और एक टेक्निक यूज कर सकता है, तो मैं थोड़ा आपको दिखा दूं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे एंटी किया तो यहाँ तक तो कितना पॉइंट है 40 पॉइंट राइट, लोअर बैंड के लिए नेक्स्ट हमारा टारगेट है, तो ये 40 पॉइंट आपका टारगेट है राइट। तो आप SL कितना लगा सकते हैं इसमें 20 पॉइंट राइट। अगर 20 पॉइंट लगाएंगे इसका ऊपर, ये तो 5 पॉइंट का ऊपर में ही है यहाँ से, तो 20 पॉइंट आप यहाँ पे SL लगा सकता है राइट। तो आपका टारगेट इधर रहेगा राइट, 20 पॉइंट SL और टारगेट 40 पॉइंट राइट। तो अगर मार्केट फिर से आपको नीचे मिला, अगर मार्केट नीचे आ गया फिर से आपको यहाँ पे मिला तो आप बाय जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे हम टारगेट कितना है, तो इसलिए हम ड्रॉ करेंगे ये जैसे आप लाइन, अगर यहाँ पे बाय किया हम और टारगेट देखेंगे हमें यहाँ 50 पॉइंट और नीचे हम देखेंगे यहाँ पे SL 25 पॉइंट राइट। ये जो ट्रेडिंग रहेगा तो 1:1 राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।